अपकमिंग एग्जाम में एंड इनके बेसिस पे क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन पर भी बात करेंगे एंड विद द थ्योरी पार्ट विल कवर लाइक जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर मुझे थ्योरी पार्ट भी बताना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से अराइज हुआ है और किस तरह से इसका आप अगर एक्सप्लेशन से आप एक क्वेश्चन से दो या तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कभी क्या होता है एक क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है उलट करके तो उन पर भी हम बात करेंगे ताकि आप जो भी पढ़ें जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करें उनकी आपको प्रॉपर नॉलेज हो विद अ फुल एक्सप्लेनेशन एंड आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो एंड वी आर द मोटो इज द माय मोटो इज टू यू नो टीच यू दैट यू शुड लर्न विद अ प्रॉपर वे विदुल एक्सप्लानशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज कॉन्सेप्चुअल स्टडी विल गोइंग टू डू राइट सो so, uh, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हम कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ते हैं तो हम रिटेन करते हैं चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं कि अगर हम रट्टा मार के पढ़ते हैं तो रट्टा मार के पढ़ने का यही होता है कि हम एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं क्योंकि आपको चार ऑप्शन दे जाते हैं दिए जाते हैं एंड उन चार ऑप्शन में से सारे ऑप्शन आपको सही लगते हैं क्योंकि आपको बिल्कुल मोस्ट सिमिलर आंसर्स होते हैं, राइट right? उनमें से आपको अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है क्योंकि सिमिलर आंसर्स होते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये होगा या ये होगा तो वहां पे आप टेक्निक यूज करते हैं एलिमिनेशन एंड सब्सिट्यूशन का सहारा लेते हैं आप एलिमिनेट करते कि ये तो नहीं होना चाहिए तो इस तरह से अगर आप कॉन्सेपचुअल रीडिंग किए होंगे तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे एलिमिनेट का सारा तभी आप लेंगे जब आपको कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ क्लू आपके माइंड में होना चाहिए उस क्वेश्चन को लेकर के या फिर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा राइट तो इस तरह से आप हम आ, हम एक दूसरे को आ, इस तरह से समझाएंगे एंड समझेंगे कि हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है ना कि रट्टा मार के पढ़ना है राइट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन टी ए यू जी सी नेट जब ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड आई है मोस्ट एक्स एक्सपेक्टेड पी वाई की यूज़ विच आर आस्ट इन प्रीवियस ईयर एग्जाम एग्जामिनेशन इन टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड उनके बेसिस पे क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो भी हम समझेंगे एंड जो क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में लिए हैं मैं उनको दिखा देती हूँ ये दीज आर द क्वेश्चन विच आर कवर्ड बाई मी इन माई प्रीवियस सेशंस एंड जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा जो ये सेशन हमारा है होगा जो पिछले हमने थर्टी सेवन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं नवंबर में पूछे गए एग्जाम में 2017 की बात कर रही हूँ मैं उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन उस क्वेश्चन का मैंने थर्टी सेवन क्वेश्चन कवर कर लिया है प्रीवियस सेशन में एंड हमारा आज के इस सेशन में हम थर्टी एट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन राइट सो लेट्स स्टडी द क्वेश्चन लेट्स read the question. the question is which one of the following statements is true relating to the representation of outsiders as office bearer of any registered trade union under the trade unions act 1926 functioning other than in an unorganized sector. options. Hain aapke option number one, not more than one third of total number of office bearer of five.

Solve the question, and I am here to tell you the explanation and give you the answer, right? So, I'm giving you 15 seconds, please go ahead. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर टू नॉट मोर देन वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बियर ऑफ फाइव बीच एवर इज लेस सो यहाँ पर बात की गई है कि आउटसाइडर्स कितने मैक्सिमम होने चाहिए या मतलब मिनिमम कितने होने यहाँ पे बात की गई मिनिमम की कि कितने होने चाहिए कि तो लाइक आउटसाइडर के किस में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो जो ऑफिस बेयरर होते हैं उस ऑफिस बेयरर का कितना परसेंट आप आउटसाइडर को एज ए इनसाइडर कंसीडर कर सकते हैं राइट कितना ले सकते हैं आउटसाइडर को कहने का मतलब ये है कि आप कितने आउटसाइडर होने चाहिए इनका कंपेरिजन टू इनसाइडर्स इन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन राइट सो ऑफिस बियर का जो मेन पार्ट है यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू इज ऑप्शन नंबर टू इज नॉट मोर देन वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बियर और फाइव विच एवर इज लेस तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो ऑफिस बियर होते हैं उनके वन थर्ड होना चाहिए ऑफिस ऑफिस जो टोटल किसी भी ट्रेड यूनियन में उनका वन थर्ड होना चाहिए आउटसाइडर सो so, बाहर से सिर्फ वन थर्ड पर्सन ही हो सकते हैं उसे ज्यादा नहीं हो सकते या तो पांच हो सकते हैं विच एवर इज लेस सो यहाँ पे कम की बात की गई है तो या तो मिनिमम पांच होने चाहिए या तो वन थर्ड होने चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द ऑफिस बियर तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर दिस क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं अगेन इस पर थ्योरी का भी पार्ट लेके आऊंगी और थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है किस तरह से क्वेश्चन की फॉर्मेशन और इसके बेसिस पे क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी बात करूंगी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बाकी के तीन ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं एंड यू कैन यू कैन यू नो ट्राई टू फाइंड दी ट्राई टू फॉर्म दी क्वेश्चन दैट यू कैन दैट यू कैन यू ऑब्वियसली बात जब हमने बात की थी कि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने जा रहे हैं सो so कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन से क्वेश्चन को देखिए और उसका आपका नजरिया होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पढ़ा तो मैं ये भी एंगल देखूं कि इससे और क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन से भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो यू विल है वेरी मच कॉन्सेप्चुअल राइट अबाउट द क्वेश्चन ओके so uh, let's move to the next question the question number 39 is which of the following are true as per the provision of the industrial employment standing orders act 1946. so you have to true right so uh, option number a draft standing orders are to be submitted by the employer to the certifying office officer within six months from the date on which the act becomes applicable and option number B, six copies of such drafts and standing orders are to be submitted to the certifying officer. Option number C, draft standing orders are to be prepared in consultation of the workmen employed in the industrial establishment along with the trade unions, if any. And option number D, a statement with particulars of the workmen employed in this industrial establishment.

सो यू आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थ्री ए डी आर ट्रू सो हम देखेंगे कैसे ट्रू है सो so, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ आर ट्रू एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट नाइनटीन फोर्टी सिक्स सो आपके सामने ऑप्शन है ए एंडी जैसा की हमने देखा ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए में क्या बात कही गई है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर आर टू बी सबमिटेड

बात की गई है ऑप्शन नंबर बी में सिक्स कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर टू सर्टिफाइंग ऑफिसर यहाँ पे सिक्स कॉपीज की बात नहीं की गई है इस प्रोविजन में एंड ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर टू बी प्रिपेयर्ड आर टू बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन ऑफ द वर्कमेन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियलिशमेंट एलॉन्ग ट्रेड यूनियन ऑफ इफ एनी सो ये भी सही ऑप्शन नहीं है तो सही ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन सो हियर ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर लेट्स मूव टू द्वेश्चन इज

यहाँ पे बात की गई है किस प्रोविजन में ये दिया गया है राइट जहाँ पे 200 सौ इंप्लॉय काम कर रहे हो सो so, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सेटिंग अप ऑफ अपडेसर कमिटी ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूटिंग वर्क कमिटी ऑप्शन नंबर सी प्रोविजन ऑफ चैप्टर फाइव बी एंड ऑप्शन नंबर डी कंपल्सरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन आपके सामने ऑप्शन हैं कोड दिया गया है एंड आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन में दिया गया है ए बी एंड सी ओनली ऑप्शन नंबर टू में दिया गया है ए एंड बी ओनली एंड ऑप्शन नंबर थ्री में है बी सी एंड डी ओनली एंड ऑप्शन नंबर फोर में क्या दिया गया है ए बी सी डी दिया गया राइट सो ऑप्शन नंबर फोर में दिया गया है सारे ही ए बी सी डी सारे करेक्ट है सो so, आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है एंड जस्ट नीड टू फाइंड दी आंसर So, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू ए एंड बी ओनली राइट जहां पर 200 सौ काम कर रहे हैं किसी भी कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट तो वहां पर सेटिंग अप ऑफ ग्रीव्यांश रिटरे मशीनरी वहां आपको वहां पर ग्रीव्यांश रिटरे कमेटी को सेट करना पड़ेगा जहां पर 200 सौ काम कर रहे हैं एंड आपको constitution, constituting works committee. आपको वहां पर uh, works committee का भी फॉर्मेशन करना पड़ेगा जहां पर 200 सौ काम कर रहे हैं वहां पर मशीनरी भी होनी चाहिए एंड वर्क कमेटी भी होनी चाहिए राइट तो ऑप्शन आर ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन राइट एंड प्रोविजंस ऑफ चैप्टर फाइव बी ए इसमें बात नहीं की गई है और कंपलसरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन ये भी इसमें बात नहीं की गई है राइट सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू ए एंड बी ओनली राइट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टर्शन हम बात करेंगे एस्टर्शन की Assertion and reasoning की बेसिस पे क्वेश्चन है रिखने रिखने का आपको मैं पढ़ रहे हैं तो रीजन को पढ़ेंगे इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को पढ़ने का वो क्लियर हो जाएगा आप बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंडिंग आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो ऑप्शन कह रहा है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है रीजन उसको सेटिस्फाई कर रहा है असर्सन को तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सही मार्क कर सकते हैं राइट सो लेट्स लेट्स रीड द क्वेश्चन लेबर वेलफेयर इज असर्शन में क्या बात की गई है असर्शन ए सी लेबर वेलफेयर इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस राइट सो लेबर वेलफेयर को बोला गया है कि ये, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है

आपने क्वेश्चन को पढ़ा आपने जब बिकॉज लगा के इसको पढ़ा तो आपको एक आइडिया मिल गया कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं जस्टिफाई कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे मैं आपको फिफ्टीन सेकंड का टाइम दे रही हूँ एंड यू जस्ट नीड टू ट्राई टू फाइंड द आंसर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू असर्शन ए इज करेक्ट एंड रीजन रीजन आर फुल्ली एक्सप्लेन ए जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा बिकॉज लगा के तब आपने समझ लिया कि क्या बात कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं असरशन में क्या बात की गई है कि लेबर का क्या नेचर होता है लेबर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है एंड इट रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस राइट वहीं पे बात की गई है आप जब देखेंगे बिकॉज लगाएंगे बिकॉज राइट बिकॉज वेलफेयर इज ग्रोइंग इन डायनेमिक दैट इज करेक्ट क्योंकि वेलफेयर एक ऐसी चीज होती है जब आप किसी के वेलफेयर की बात करते हैं तो वो वो ग्रोविंग इन नेचर होता है राइट right? वो ग्रो करता है वेलफेयर का मतलब होता है कि आप ग्रो करते हैं राइट right? क्योंकि अगर आप एंड डायनेमिक इन नेचर वो डायनेमिक होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता वो फिक्स नहीं रहता कि आपका वेलफेयर इस लेवल तक किया जाएगा नहीं आप जितना अच्छा कर सकते हैं आप करते हैं किसी का वेलफेयर या फिर का या फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं दैट इज डायनेमिक इन नेचर दैट इज करेक्ट आपने बिकॉज लगा के पढ़ा तो यहाँ पे पाया कि वेलफेयर इज ग्रोइंग एंड डायनेमिक इन नेचर द वेलफेयर पोटेंशियल चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच इटेंट इट्स कंटेंट कीप्स ऑन वेयरिंग एंड हैज टू कीप पेस विथ चेंजिंग टाइम्स ऑबियसली बात है चार टाइम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे तरीके बदलते रहते हैं वैसे वेलफेयर का तरीका बदलता रहता है आज हमने लेवल वन अचीव किया है तो कल हम लेवल टू अचीव करेंगे तो हमारा वो डायनेमिक होता है नेचर में राइट एक ही तरह की चीज नहीं होती किसी चीज को पाने के लिए आप एक ही तरीके से नहीं कर सकते जरूरी नहीं कि जो आपने मेथड प्रीवियसली किसी चीज को अचीव करने के लिए यूज किया था दैट मेथड इज अगेन गोइंग टू बी वर्क मे बी उसी काम को करने के लिए आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़े दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़े क्योंकि आज का ये जो जनरेशन है ये अपडेटेड होता जा रहा है हर एक टाइम पे हर एक मोड पर आप देखेंगे चीजें अपडेटेड होती जा रही है राइट तरीके बदल रहे हैं पहले जो टाइम जो काम करने में हमें घंटों लगते थे अब वो मिनटों में हो जाता है अब उन्हीं काम को कुछ टाइम के बाद में आप करने लगेंगे सपोज जो काम आपने जैसे पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे पहले कंप्यूटर वर्क जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तब कैलकुलेशन को करना क्योंकि रजिस्टर में मेंटेन करते थे एक एक इन्वेंट्री को हम मेंशन करते थे लेकिन अभी कंप्यूटर का जमाना है तो हम सारे गुड़ा गणित सारे कैलकुलेशन एक में कर लेते हैं तो उसी तरह चीजें डायनेमिक होती है राइट कोई चीज कॉन्स्टेंट नहीं होती है। इस डायनेमिक इस एनवायरमेंट में सारी चीजें डायनेमिक हो गई है लाइक जहां पे स्पेशली अब वेलफेयर की बात करेंगे दैट इज आल्सो नॉट इन अ फिक्स्ड इट इज डायनेमिक इन नेचर वो टाइम के हिसाब से बदलता रहता है चेंज होता रहता है वो अपने टाइम के साथ अपने स्पेस के हिसाब से बदलता रहता है उसमें फिट होता रहता है राइट सो so यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू एसर्सन ए इज करेक्ट एंड रीजन आर फुली एक्सप्लेन ए राइट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ये भी क्वेश्चन है इसको भी हम बिकॉज लगा के पढ़ेंगे लेट्स स्टडी द द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर वेलफेयर हैव प्रोग्रेसिवली चेंज्ड ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स यहाँ पे बात की गई है कि जो एम है एम एंड ऑब्जेक्टिव है लेबर वेलफेयर का दैट है प्रोग्रेसिवली चेंज ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स कुछ पिछले दशकों की जब बात की जाती है तो वो चेंज हो चुका है पहले से राइट right.

इम्प्लॉयर्स का टूअर्ड देर वॉट वॉज दर यू नो व्यू टूअर्ड देर इम्प्लॉयज क्या किस तरह से वो uh, अपने इम्प्लॉयज uh, की वेलफेयर की बात करते थे उन चीज़ों में अब पिछले दशकों से आप देखेंगे सपोज पिछले दस साल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं तरीका अलग हो चुका है अब आपने जब पढ़ा कि द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ़ लेबर वेलफेयर हैव प्रोग्रेसिवली चेंज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेट्स बिकॉज क्योंकि वो क्यों चेंज हुआ है क्योंकि इट हैज ग्रेजुअली मूव टू द एरा ऑफ पैटर्नलिज्म एंड फिलेंथ्रोपिक ऑब्जेक्टिव फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कितने आ, फंड रेज करते हैं गरीबों को दान करने के लिए सपोज फ्लड आ गया तो फ्लड में पैसे डोनेट कर देते हैं दैट इज फिलेंथ्रोपिक वर्क जहाँ पे आप परोपकार का काम करते हैं राइट दूसरों के भले के लिए काम करते हैं राइट तो वो होता है फिलोन, की नेचर। आप देखेंगे जिस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो आ, कोरोना जैसे बीमारी को ले लीजिए कोरोना के टाइम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने बहुत सारा पैसा डोनेट किया गवर्नमेंट को कि ताकि वो उन पैसे से, पैसों से हॉस्पिटल के खर्चे दे सकें गैस सिलेंडर्स जो कि शॉर्टेज हो रही थी इनिशियली

जो रीजन है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही हम इतना ही करेंगे इसके आगे के सेशन में मैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंट फोर्टी थ्री टू फिफ्टी कवर अप करूंगी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए आप मुझसे बने रहिए मेरे साथ एंड मेरे साथ जुड़े रहिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी